हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी लर्न। आज की इस वीडियो में हम एक नई नोटिफिकेशन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आई है। एनसीसी स्पेशल एंट्री है, मतलब कि एनसीसी के बच्चों के लिए ही है ये एंट्री। 2021 का रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है, सीधे इंटरव्यू है उन बच्चों के लिए जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। इसमें सिर्फ जो इंटरव्यू है उसको एसएसबी इंटरव्यू कहा जाता है, वो कैसा होता है और इस जॉब में कैसी सैलरी और कैसी रैंकिंग्स मिलती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए, देखिए। सबसे पहले जब आप एनसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो इस नाम से एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 50th कोर्स अक्टूबर 2021 से इस नाम से आपको मिलेगा। एंटी मतलब नॉन टेक्निकल है, ये जो पोस्ट है ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम के चैनल पर भी शेयर कर दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसकी जो अप्लाई डेट है वो 16 जून है और लास्ट डेट 15th of July है। इसमें सिर्फ एनसीसी कैडेट अप्लाई कर सकते हैं और वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके फादर की आर्मी पर्सनल्स की कोई कैजुअलिटी हुई हो, ठीक है, उन्हें कोई इंजरी हुई हो वॉर के दौरान या उनकी डेथ हुई हो, उनके जो बच्चे हैं वो बिना एनसीसी सर्टिफिकेट के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए 19 years to 25 years। आई एम सॉरी, कौन सी डेट तक होना चाहिए आपको 25 साल का? 1 जुलाई 2021 तक। मतलब कि ना तो आप 2 जुलाई 1996 से पहले पैदा हुए हो, ठीक है, और ना 1 जुलाई 2002 के बाद में पैदा हुए हो, ठीक है, नॉट अर्लियर और नॉट लेटर। तो आप 19 साल से लेके 25 साल तक हो सकते हो 1 जुलाई 2021 तक। अगर आपकी एज है तो आप फिल कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए? आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए, एग्रीगेट मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साल का मिला के आपका 50% होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है वही भर सकता है। जो बच्चा फाइनल सेमेस्टर में, जिसका चाहे थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो, जैसे इंजीनियरिंग वालों का 4 साल होता है तो उनका फोर्थ ईयर, ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर, तो आप फाइनल ईयर में भी भर सकते हैं। मगर अगर आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपके 50% ओवरऑल नहीं बनते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप इसी कंडीशन पे भर सकते हैं कि आपका ओवरऑल 50% बने, चाहे वो रिजल्ट आने के बाद बने या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं तो अभी आपका बन रहा हो। सेकेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने एनसीसी में सर्विंग की हो मिनिमम 2 साल, जिसे कि बी और सी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए, अकेले बी सर्टिफिकेट होने से आप फिल नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, मिनिमम बी और सी सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए, सॉरी यहाँ पर लिखा है मिनिमम बी ग्रेड, एक्चुअली सी सर्टिफिकेट में अल्फा ग्रेड, बीटा ग्रेड, ठीक है, ऐसे ग्रेड्स होते हैं, तो मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। बी ग्रेड से अगर कम है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी पर्सनल्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स को कोई कैजुअलिटी हुई है, ठीक है, बैटल के दौरान, उनके लिए सी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उनके 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में ओवरऑल, ठीक है। एनसीसी मेंस की वैकेंसी है 50, ठीक है, जिसमें से 45 जनरल कैटेगरी और 5 वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। वुमेंस की हैं 5, जिसमें से 4 जनरल कैटेगरी और 1 कौन है, जिसके पेरेंट्स को बैटल कैजुअलिटी हुई हो। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो एग्ज़ाम है, ये जो वैकेंसीज हैं, इसमें आपका कोई रिटन एग्ज़ाम तो होने नहीं वाला। इसमें एक 5 डेज़ का आपका सिंपल सा इंटरव्यू होगा, कोई भी फिज़िकल भी नहीं है, ओनली 5 डेज़ का इंटरव्यू है। आपको 5 डेज़ वहाँ स्टे करना पड़ेगा, वो आपको खुद बुलाएंगे, अकोमोडेशन देंगे, ठीक है। तो इसमें जो 5 डे होते हैं, देखो डे 0 मतलब कुछ नहीं होता, आपको वहाँ पहुँचना होता है, डे 1, डे 2, डे 3 एंड 4 और डे 5। इसको मैंने आगे अच्छे से एलोबरेट किया है कि आपको इस किस किस दिन क्या होगा। देखिए, जिस दिन आप जाएंगे वो आपको रिसीव करने आएंगे, ठीक है, आपको अकोमोडेशन देंगे, रहने की जगह वो खुद ही देंगे, ठीक है, आर्मी एरिया में रखेंगे। जो फर्स्ट डे होगा उस दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ बच्चों को रख लिया जाएगा और बाकी बच्चों को उसी दिन घर भेज दिया जाएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट डे आपसे क्या कराने वाले हैं, दिस इंक्लूड्स अ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस अबाउट 50 क्वेश्चन ईच। देखिए पहले तो एक पेपर देंगे आपको जिसपे 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, नॉर्मल से 50 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको टिक करना है। नॉर्मल जैसे रीजनिंग होती है ना, कोई डायग्राम दिखा दिया इनमें से कौन सा अलग है, दिस टाइप की रीजनिंग जो आपके नॉर्मल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आती है वो आपको देंगे 50 क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे। सेकेंड वो आपसे एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट कराएंगे, मतलब आपको ऐसी, देखिए एक पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, आपके ऐसी सैंपल पिक्चर आपको देंगे, धुंधली सी फोटो, और आपको 30 सेकेंड दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको कोई भी स्टोरी, आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है कि आपको कैसी स्टोरी लिखनी है, इतना दिमाग लगाने के लिए 30 सेकेंड्स बहुत कम है। तो जो भी आपके मन में पिक्चर को देखते ही आए आपको वो लिख देना है, ठीक है, फिर वो उनकी जजमेंट होगी कि आपके लिखने का तरीका, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो आपको रखेंगे या निकाल देंगे। ये जो पूरा इंटरव्यू है एक तरह से साइकोलॉजी पर बेस्ड है। डे फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अगर आप डे फर्स्ट को सर्वाइव कर जाते हैं तो आप डे सेकेंड में पहुंचेंगे। डे सेकेंड में आपके 4 टेस्ट होने वाले हैं। फर्स्ट टेस्ट थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, जैसे अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी ऐसे ही आपको लगातार 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही आपको 12 स्टोरीज लिखनी है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वैसी ही धुंधली पिक्चर दिखाई जाएगी और 11 स्टोरीज लिख दी, और जो 12th पिक्चर होगी वो खाली होगी, ठीक है, उसमें आप अपनी मनचाहा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई विश लिख सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब सिर्फ आपके माइंड कैसे वर्क करता है, आप कैसी थॉट प्रोसेस रखते हैं ये जानने के लिए है, तो आपको कुछ बना के इसमें नहीं लिखना है, जो भी आपकी फर्स्ट थॉट आए वैसे ही लिख देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 30 सेकेंड्स ही होता है। नेक्स्ट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, नहीं 30 सेकेंड्स के लिए मतलब पिक्चर दिखाई जाती है और आपके पास 4 to 5 मिनट्स होते हैं लिखने के लिए, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लाइक आपको एकदम से स्क्रीन पे 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे, 60 मीन्स जैसे सबसे पहले दिखाया रोज, तो रोज को पढ़ते ही आपके सामने जो लाइन आए, ठीक है, जैसे रोज आर प्रिटी, जो भी आपके मन में आए ना, जैसे ब्लड, किसी ने आपके सामने दिखा दिया ब्लड, तो आपको एकदम से ऐसे लिखना है कि ब्लड डोनेशन इज अ गुड वर्क, तो जो भी आपके मन में पहली लाइन आए आपको वो लिखते जाना है, ठीक है। तो 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे लगातार, आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा, तो जो भी आपके फर्स्ट थॉट आए आपको वो लिख देनी है। थर्ड है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, जैसे कि आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आपकी ट्रेन छूट जाती है और आपको किसी की हेल्प भी करनी है, तो 2-3 सिचुएशंस एक साथ देके आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले कौन सा काम करना पसंद करेंगे, जिससे कि उन्हें पता चले कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किसके लिए ज़्यादा हैं, ठीक है, आप सोसाइटी में किस तरीके से जीते हो, खुद के लिए ज़्यादा सोचते हो या दूसरों के लिए, ये चीज़ें चेक करने के लिए वो आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देंगे कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जो बहुत क्रिटिकल है, तो आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या तरीके अपनाओगे, ठीक है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट ईजी है, आपको सिर्फ अपने बारे में लिखना है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, इसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। ये चारों टेस्ट, इनमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, जो भी है सिर्फ आपके अंदर जो होगा वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपकी थॉट प्रोसेस के थ्रू, आपके डिसीजन मेकिंग पावर के थ्रू, ठीक है। डे थर्ड में एक हाफ ग्रुप टास्क और एक फुल ग्रुप टास्क होता है। देखिए जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, छोटे छोटे कुछ ऑब्स्टेकल बने हुए हैं, ये आपके साथ ही होंगे 10-12 एक एक ग्रुप में, आपको बताया जाएगा आपको यहाँ से वहाँ जाना है और ये आपके साधन है तो आप कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो एक गेम की तरह लगता है ये, जैसे हम बचपन में खेलते थे, बस यहाँ पर आपको अपनी टीम स्पिरिट, ठीक है, और आप कैसे लीडर हैं, लीडरशिप दिखानी होती है। डे 4 में ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, आप सबको डिस्कशन करना होता है और इंडिविजुअली भी आपको खड़े होकर बताना होता है कि आप उस पॉइंट, अपना पॉइंट रखना होता है कि आप उस जो आपको टॉपिक दिया गया उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कोई भी जनरल टॉपिक हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, कोविड हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ग्रुप डिस्कशन के लिए तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, जो भी रिसेंट में चीज़ें चल रही होंगी उनके बारे में आपको ग्रुप डिस्कशन करने के लिए दिया जा सकता है। डे 5 फाइनल असेसमेंट रिजल्ट और पर्सनल इंटरव्यू, ये तीनों होता है, ठीक है। जो भी 4 दिन आपके हुए हैं उनका फाइनल असेसमेंट कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, फाइनल रिजल्ट एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी वहाँ पर बताया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू भी आपका सेम डे सुबह होगा जिसमें आप पहली बार किसी इंस्ट्रक्टर के सामने
फेस टू फेस बैठे होंगे चेयर टेबल पर, और वो आपसे कुछ सवाल करेगा जो कि बहुत निजी ज़िंदगी के भी हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे नॉर्मल इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हार्ड होता नहीं। इन 5 दिनों में बिल्कुल पिकनिक की तरह लगते हैं, बट वो आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अगर आप वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको माइंडसेट बना के जाना होता है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, ठीक है, और आपको वैसे ही बिहेव भी करना होता है, आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसे ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये सिर्फ इंटरव्यू होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, आपका मेडिकल किया जाता है, अगर आप मेडिकली फिट है तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है मेरिट लिस्ट बना के। देखिए, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट 14 ईयर्स की ये जॉब होती है वैसे तो, ठीक है, 10 ईयर्स शॉर्ट कमीशन होता है, आपको रिटायरमेंट पर पेंशन दे दी जाती है आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब अगर 25 आपकी मिनिमम एज है तो 35 तक आप अपनी नौकरी करके छोड़ भी चुके होते हैं, फ्री हो चुके होते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ देखो कितनी, 35 के बाद कितनी बचती है, तो इट्स अ परफेक्ट जॉब फॉर गर्ल्स। और अगर आपको 4 साल एक्सटेंड करानी है, देखिए परमानेंट कमीशन लेनी है, तो आपको 10th ईयर में, ठीक है, 10th ईयर में आपको छोटा सा कोई एग्ज़ाम देना होता है, सूटेबल हो या नहीं आगे के पीरियड के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, और फिर आपको परमिशन दे दी जाती है। आपकी जो रैंक होती हैं जब आप कमीशन लेते हैं OTA चेन्नई के बाद, तो आपको मिलती है लेफ्टिनेंट की रैंक, आफ्टर 2 ईयर्स आप कैप्टन बन जाते हैं, आफ्टर 6 ईयर आप मेजर, आफ्टर 13 ईयर आप लेफ्टिनेंट कर्नल। इससे आगे देख लीजिए, आप यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जब आप कंडीशंस फुलफिल करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप कमीशन होते हैं आप क्या बनते हैं, लेफ्टिनेंट, जो कि बहुत रेपुटेड पोस्ट मानी जाती है इंडियन आर्मी की। आपकी जो सैलरी है ये देखिए, सैलरी जो लेफ्टिनेंट की है वो लेवल 10 की होती है, देखिए यहाँ लिखी हुई है 56,000 टू 1,77,000, कैप्टन की लेवल 10 भी, मेजर की लेवल 11। आपको जिसकी देखनी है आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर आप NCC कैडेट है ये पोस्ट फिल करनी चाहिए, बजाय कि ये देख के कि ये तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट है या ये इंटरव्यू बहुत हार्ड होता होगा, यू नेवर नो कि उन्हें कैसा एस्पिरेंट चाहिए, ठीक है। क्या पता कि आप एक मीडियोकर है, 60% लाने वाले हैं और फिर भी आपका हो जाए और 90% वाले का ना हो, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंस का कोई केस ही नहीं है बनता है, यहाँ पर सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस, आपके साइकोलॉजी और कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसके बेसिस पर ये इंटरव्यू है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है SSB का।